एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक मन पुरख ते आए बरदाता संत सहार सदा बखियाता तास चरण ले हृदय बसावा तो परम गुरु नानक गुण गावो जिना दसंदड़िया दुरमत वन्य मित्र साढ़े से हो टूटे दी जग सबाया जन नानक विरले के सज्जन सच्चा पात साह सरसाहद साह जिस पास बैठिया सोहिया सबना गावे साहो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सोरठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल भै लाथे दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर ध्याया प्रभ की शरण सगल पै लाथे दुख बिन से सुख पाया परम सम्मान योग गुरु रूप गुरु खालसा सतसंग जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सरबत संगतां बहुत बहुत वड्डियां भागां वाले हो जिन्हां नूं दसां पातशाहियां दे पावन प्रतख सरूप तख्त चबर छत्र दे मालक सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी परम पवित्र हजूरी विखे जुड़ करके दमदमी टकसाल दे महान केंद्रीय स्थान हैडक्वाटर गुरुद्वारा गुरदर्शन प्रकाश मेहता विखे हर साल दी तरह दमदमी टकसाल दे पंद्रहवें मुखी सठखंड वासी महापुरख सेवा और सिमरन दे पुंज त्याग वैराग दी मूरत संत बाबा ठाकुर सिंह जी खालसा जी दे सालाना जोड़ मेले दे समागमां ते हाजरियां भरन दा सतगुरु जी दे पावन दर्शन करन दा सतसंगत करन दा शुभ सुभागा समां प्राप्त हो रहा है। अमृत वेले पंज बाणियां दा नितनेम श्री सुखमनी साहिब जी दी बाणी दे नितनेम संपूर्ण श्री आसा जी दी वार दे कीर्तन आप संगतां ने सरवण कीते और पिछले महीनों तो जो देश विदेश दियां संगतां दे सहयोग नाल धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन तुरकी अकाली गुरबाणी दे श्री अखंड पाठ साहिबां दी लड़ी प्रारंभ सी
उस लड़ी की संपूर्णता हुई है। भोग दे समय आप संगत ने हाजरी भरी है। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी ने 1761 बिक्रमी संमत पादरों सुधी एक मनु जिस वक्त धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे स्वरूप संपूर्ण करन तों उपरंत सतखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पहले प्रकाश कीते और बाबा बुढ़ा साहिब जी नूं सतखंड श्री हरिमंदर साहिब जी दे मुख ग्रंथी थापिया और शिव मुख वाक उन्हां दी रसना तो सरवण करन दी संगतां नूं आग्या कीती। उस तो उपरंत सतगुरु जी ने ये वचन कीते सन कि संसार दे विच धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी जो बाणी है गुरबाणी दा एडा वड्डा महात्म अपने मुखारबिंद तो सरवण करवाया सी कि दुनिया दे विच कोई ऐसी दात नहीं जिहड़ी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दा अभ्यास करके गुरबाणी दा पाठ करके गुरबाणी सरवण करके और बार बार गुरबाणी दा पाठ करके संसार विच नाम प्राप्त हुंदी होवे। सतगुरु जी ने ये वचन कहे सन कि संसार विच चार पदार्थ सब तो महान मन्ने जांदे है, धर्म अर्थ अर काम मोह। गुरबाणी विच भी इन्हां चार पदार्थां दा बहुत जिक्र आया है। धर्म की प्राप्ति होनी, वाहिगुरु परमेश्वर नाल जुड़ जाना, साध संगत जी धर्म की प्राप्ति भी किसी विरले वड्डियां भागां वाले नूं प्राप्त हुंदी है। जिथे श्री जपजी साहिब जी की बाणी अंदर पंज खंडां दा सतगुरु श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने जिक्र किया है, उत्थे धर्म खंड का भी जिक्र किया है कि यह भी एक बहुत वड्डी उच्चतम अवस्था है। धर्म भी किसी विरले नूं जीवन विच प्राप्त हुंदा है। साध संगत जी आप संगतां पिछले दिनों तो इन्हां दिनों विच श्री आनंदपुर साहिब जी का किला छड्डण दा दिहाड़ा 6 पोह दी रात 7 पोह दी सवेर यह सारा इतिहास आप सुनदे आ रहे हो और सतगुरु महाराज जी ने 6 पोह दी रात और 7 पोह दे अमृत वेले आनंदपुर साहिब दा किला छड्डिया और आप जी दे नाल चारे साहिबजादे हन शूरबीर योधे शस्त्रधारी सूरमे धर्म की खातर आपा कुरबान करन वाले सेवा विच हाजर हन। जालम फौजां दा लखां दी गिणती विच घेरा पिया होया है और सारे रस्ते विच बरखा पै रही है। इतनी ठंड है कि प्राणी कोलों सहारी नहीं जा सकती, उत्तों बरखा दा जोर है। पर सच्चे पातशाह महाराज जी दे नाल सिंह सूरमे जालमां दा मुकाबला करदे होए सरसा नदी दे किनारे ते अमृत वेले दे समें विच ही पहुँच जांदे है जिथे गुरद्वारा परिवार विछोड़ा साहिब है। धर्म की पालना करन दा किड्डा वड्डा सतगुरु महाराज जी ने ऐसी मुसीबत दे विच भी हुक्म कीता, आग्या कीती। सतगुरु जी ने आग्या कीती कि सिंघो इस दरिया के किनारे ते दीवान सजाओ, अमृत वेला है, आसा जी दीवार का कीर्तन करो। अधे सिंह जालमां की फौज नाल मुकाबला करके उन्होंने जिन्ना चर दीवान चलता उन्ना चर रोक के रखन, अधे सिंह दीवान विच सज के आसा जी दीवार का कीर्तन सुनो, नितनेम करो। आप भी हजूर ने दीवान विच सज के सारा नितनेम ते आसा जी दीवार का कीर्तन सुनिया और फिर सरसा दरिया पार करके हजूर 7 पोह नूं ही चमकौर साहिब की कच्ची गढ़ी दे विच जा के सच्चे पातशाह जी ने जालमां नाल मुकाबला करन वास्ते बड़ा भारी युद्ध करन वास्ते सारियां तैयारियां रंभियां। 7 पोह दी शाम 7 पोह दी रात
ਇਹ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਠ ਪੋਹ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੁਢਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪਿਆਰੇ, ਪਿਆਰੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਠ ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਨੂੰ 22 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜਰਨੈਲ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਜ਼ਾਲਮ ਵਜੀਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੀਬਾ ਸੂਬਾ, 22 ਧਾਰ ਪਹਾੜੀਏ ਨਿਮਕ ਹਰਾਮੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 22 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਸੂਰਬੀਰ ਮਹਾਂਬਲੀ ਯੋਧੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਨਣੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗਏ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਘਨ ਪਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਲੱਖਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੈਸਾ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਰਗਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਠ ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾੜੀ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੀਰੇ ਹਿੰਦ ਮੇਰ ਵੱਧ, ਪੀਰੇ ਹਿੰਦ ਮੇਰ ਵੱਧ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਤਾੜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਰਾ ਵਾਂਗੂ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ। ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚੂੜਾਮਨ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਖਲਬਲੀ ਫੈਲ ਗਈ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਲਖਈਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਗਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਨਖ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੇ ਤੀਰ ਬੀਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਛੱਡੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਬਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਮਾਛੂਵਾੜੇ ਅਸਥਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ 11, 12 ਔਰ 13 ਪੋਹ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
मैं थोड़ा जिहा जिक्र तां कीता, इह शहीदी हफ्ता चल रहा है और साध संगत जी धर्म कितना वड्डा प्यारा है सतगुरु जी नूं गुरसिखां नूं साहिबजादियां नूं धर्म दे पदार्थ की एड्डी वड्डी पालना की है कि धर्म नूं आंच नहीं आउण दित्ती, धर्म नूं परपक्ता दे नाल निभाउंदिआं शहीदियां दे दित्तियां। छोटे साहिबजादिआं ने अपने आप नूं नीहां विच चणवा लिया। इस करके धर्म नूं किसी भी तरह का आप जी ने आंच आउण तों धन गुरु के लाला ने धन गुरु के साहिबजादिआं ने अपना पवित्र खून दे के धर्म की रक्षा की, धर्म नूं बचाया, धर्म नूं आंच नहीं आउण दित्ती। इस करके भाई धर्म जिन्हां नूं प्राप्त हो जांदा इह सब तों वड्डा अमोलक पदार्थ है। लोक परलोक दे विच धर्मी जीव की रक्षा करता है। विद्वानां ने तां धर्म की बड़ी वड्डी व्याख्या की है पर इत्थे विस्थार करन दा हुण समा नहीं है। इस करके धर्म का पदार्थ जिन्हां नूं जीवन विच मिल गया, धर्म पदार्थ की है? गुरसिखां दे घर विच जन्म धार के पंजां प्यारियां तों अमृत की दात प्राप्त हो जाणी, पंजां ककारां की रहत रखनी, गुरबाणी दे नितनेमी होना, सतगुरु जी दे दर्शन अते संगत करनी, गुरमत मर्यादा अनुसार अपना जीवन बसर करना, ये धर्म दे असूल अते नियम हन। इस करके धर्म की पालना करनी ये सब तो वड्डा पदार्थ है और धर्म भाई लोक परलोक दे विच रक्षा करता है। धर्म की पालना करन वालियां नूं धर्म लोक परलोक दे विच सन्मान बख्शिश करता है। इस करके वड्डियां भागां वालियां नूं धर्म की प्राप्ति हुंदी है। और अगे धन दूजे थां ते महाराज जी ने धन रखिया, दुनिया तो भाई धन नूं पहला रखती है पर सतगुरु जी ने धन का दूजा दर्जा, पहला धर्म का, दूसरा धन का और तीसरा कामनावां की प्राप्ति। कामना हर मनुख की पूरी नहीं हुंदी, एक एक श्वास विच बंदे दे कई कई कामनावां का प्रवाह चलता, इच्छावां का प्रवाह चलता है और कामना का बद्धा जीव थां पर थां भटकदा है। जिदी कामना मन की आसा ना पूरी होए उस नूं पुछ के पता लगता कि उहदे दिल विच किन्नी अशांति है, किन्नी भटकना है। कामना का मारिया बंदा धर्म तो भी कई बार बेमुख हो जाता है, अनमतियां दे मगर लग जाता और मनमतियां दे मगर तुर पैंदा है। इस करके कामनावां भी पूरियां हो जानियां और फिर साध संगत जी मुक्ति का भी दान मिल जाना, जमन मरण तो छुटकारा हो जाना। इस करके ये चार पदार्थ सतगुरु जी की कृपा नाल भागां वालियां नूं जीवन विच प्राप्त हुंदे है। और धन गुरु अर्जन देव साहब जी ने वचन किया कि जिहड़ा व्यक्ति श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करेगा, जिहड़ा माई भाई श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ सुनेगा जां करेगा उस नूं चारे पदार्थ भी प्राप्त होणगे। और सब तो वड्डा महात्म सतगुरु जी ने अखीर ते दसिया कि जिहड़ा माई भाई धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सहज पाठ आप करेगा जां करावेगा जां सुनेगा, जे तां कामना वाला है, कोई इच्छा लैके अरदास कीती है तो उहदी इच्छा पूरी होएगी। जे कोई निष्काम कामना तो रहत होके वाहिगुरु की बंदगी करता है, भाव गुरबाणी सहज पाठ करता या सुनता है, महाराज कहिंदे उस नूं ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त होएगी। एडा वड्डा फल है साध संगत जी सतगुरु जी की गुरबाणी के सहज पाठ अखंड पाठ करन दा ते कराउण दा। जेकर सारा अखंड पाठ साहिब सहज पाठ ना सुनिया जाए, भोग दे समय सतगुरु जी की हजूरी बचा के नौवें महल्ले के श्लोक रागमाला समेत सारा भोग की बाणी नूं सरवण कर लवे तां भी सारे सहज पाठ अखंड पाठ जिन्ना फल प्राप्त हो जाता है। इस करके आप संगतां ने महापुरखों की याद विच बड़े प्रेम नाल सहज पाठ वक् वक् संघां ने उन्हां दी याद विच कीते, अखंड पाठां दी लड़ी उन्हां दी याद विच चल रही सी
और संपूर्णता दे अखंड पाठ साहिबां दे भोग ते आप जी ने हाजरियां भरियां हन। सो साध संगत जी सुन वड भागिया हर अमृत बाणी राम, ऐसी महान गुरबाणी वड्डियां भागां वालियां ने सरवण करके लाभ प्राप्त किया है। और साध संगत जी सतगुरु जी ने जो परम पवित्र श्री मुखवाक बख्शिश किए हैं उन्हां दी कथा भी आपां मन बिरती नूं एकागर करके सरवण करनी है। संखेप जीवन महापुरखां दा मैं आप जी दे चरणां विच अर्ज करां। साध संगत जी, महापुरख संत बाबा ठाकुर सिंह जी खालसा जी का जन्म अजकल जिला लाहौर विचों नगर है, इचो गिल करके प्रसिद्ध नगर है। और इस नगर दे विच सत्कार योग सरदार बहादुर सिंह जी और माता प्रेम कौर जी के ग्रह विखे 1915 ईस्वी में महापुरखों का जन्म होया। और जदों सुरत संभाली उस समय तो लैके आप जी वैराग अवस्था दे विच रहा करदे सन। और जदों जवानी दे विच कदम धरिया, दुनिया जवानी दे विच कदम धारदिया दुनिया दे सुखां विच मस्त हो जांदी है। लोक दुनिया दे सुखां तो परे कुछ दिखाई नहीं दिंदा। पर आप जी नूं भाई केहर सिंह जी माड़ी मेघा वाले जिहड़े दमदमी टकसाल दे बारहवें मुखी सठखंड वासी महापुरख संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां दे जत्थे विच रह के गुरमत की विद्या प्राप्त की सी, उन्हां दे दर्शन होए और बाबा जी का दूर दराडे तो संबंध भी सी इस नगर विच। और उन्हां नाल अपने मन की अवस्था का बाबा जी ने उन्हां दे पास व्यक्त किया। कहन लगे, मैनू किसी पूर्ण संत दे दर्शनां की बड़ी तीबर इच्छा है, मैनू किसी महापुरख दे दर्शन प्राप्त होण, ते कोई ऐसा संत दसो जिस दी मैं संगत करके अपने जीवन दे विच धन हो सकां। तो भाई केहर सिंह जी माड़ी बेगा वालिया ने महापुरख संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा जी की दस पाई। उदों बाबा जी की 25 तो 30 साल के बीच विच उम्र सी, जवानी सी। और बाबा जी ने उस वक्त भाई केहर सिंह जी कोलों पता करके अपने नगर तो चल पे। 1945 साध संगत जी गुरद्वारा अखंड प्रकाश पिंडर कलां अजकल जिला मोगा, उदों वह दमदमी टकसाल का हैडकुआटर सी, पर अज हैडकुआटर महापुरख दमदमी टकसाल के 13वें मुखी सठखंड वासी संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा पिंडरां वालिया ने दमदमी टकसाल का हैडकुआटर गुरद्वारा गुरदर्शन प्रकाश मेहता स्थापित किया है। वर्तमान समय में दमदमी टकसाल का हैडकुआटर गुरद्वारा गुरदर्शन प्रकाश मेहता है। शाखावां ते ब्रांचां तो होर दुनिया भर के बेअंत हैं। सो साध संगत जी, उदों गुरद्वारा अखंड प्रकाश सी पिंडर कलां, उत्थे बाबा जी महापुरखां दे दर्शन करन वास्ते पहुंचे। और 27 भादरों दे जोड़ मेले करके, क्योंकि 27 भादरों नूं महापुरख ब्रह्म ज्ञानी पंथ रतन संत बाबा सुंदर सिंह जी पिंडरां वालियां दे सन्मान योग पिता, बड़ी करनी कमाई वाली पवित्र आत्मा बिचे गृह गुरबचन उदासी जो कबल रह विच पाणी है, ऐसी महान पवित्र आत्मा सन उन्हां दे पिता बाबा खजान सिंह साहब जी। उन्हां दा जोड़ मेला 27 भादरों नूं मनाया जांदा सी। उस जोड़ मेले ते बाबा जी पहुंचे और महापुरखां नूं फतेह बुला के अर्ज कीती कि मैं भाई केहर सिंह जी माड़ी मेघा दा भेजिया होया आप जी दे जथे विच रहण वास्ते आया, मैनू अपनी सेवा बख्शो। महापुरख मुस्कराए, कहन लगे, सिंघा तेनू बड़े लंबे समय तो असी उड़ीकदे सी, सतपुरशां दी दिव दृष्टि हुंदी है साध संगत जी, इस करके क्योंकि ज्ञान खंड की अवस्था दे विच तथा घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, ये अवस्था उन्हां गुरमुखां दी महापुरखां दी सतपुरशां दी होया करदी है। सो महापुरख मुस्कराए, कहन लगे, भाई तू कुछ समा हुण इत्थे पिंडर कलां गुरद्वारा अखंड प्रकाश रह के सेवा कर, फिर असी तेनू जथे विच लै के जावांगे।
पहला जथे का यह असूल हुंदा सी कि जिहड़ा भी नवा सिंह आउंदा सी उस नूं हैडक्वार्टर ते छड्डिया जांदा सी, क्योंकि जथेबंदी दे विच रहण वाली जिहड़ी निजमावली सी नियम हुंदे सन उह बहुत सख्त होया करदे सन। महापुरख संत बाबा सुंदर सिंह जी भिंडरां वालियां दे नाल जथे विच ਉਹ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹਨੇ ਕੰਠ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੰਠ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 30-35-40 ਸਿੰਘ ਜਾਂ 50 ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੱਦ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਪਹਿਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਥਿਆ ਕਰ ਲਵੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਪਕਾ ਲਵੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਚਨ ਦੱਸਦੇ ਇੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਭਾਵਕ ਕਹੇ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸਨ, ਪਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਿਯਮ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸੱਤ ਬਾਣੀਆਂ ਜਮਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਥੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰੀ। ਹਾਂ, ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ, ਸੰਥਿਆ ਕਰੇ, ਯਾਦ ਕਰੇ, ਪਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਰਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਔਰ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੱਤ ਬਾਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਚੇਤੇ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਣੀਆਂ ਯਾਦ ਸਨ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਸਨ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ 1967 ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 'ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਈਰਖਾ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਮੁਕੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਦਸਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਖੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਡਿਪਟੀ ਮੁਕੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ 300 ਸਾਲਾ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿਰੋਪਾਉ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਉਹੀ ਸਿਰੋਪਾਉ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਓ ਅਤੇ ਉਮਾ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਖਸ਼ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਿਰੋਪਾਉ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਈਰਖਾ ਦੁਵੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਯਥਾਰਥ ਬਚਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਦੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ 'ਤੇ ਲਾਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਤੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
पर नवे विद्यार्थी सिंघा नूं पता भी होना चाहीदा कि किवें महापुरखां ने सरोप दिता। इत्थे बस नहीं, आखे जी संतां ने मंग के सरोप लिया, मैनू सरोप दिओ, बख्शिश करो। ढाई साल संत बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा जी का शरीर मात लोक ते संत बाबा करतार सिंह जी नूं दस्तार सिरोप देण तो बाद मात लोक विच उन्हां दा शरीर रहा। ते साध संगत जी जे ओह मंगियां देण वालियां बख्शिशां होण तां तुसीं मंग लैंदे उन्हां कोलों, तुहानूं ना देता जां किसे होर सिंघ नूं ना देता। रागी भाई बचित्र सिंह जी ने वड्डे महापुरशां नाल आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी कथा दा और गुर इतिहास दी कथा दा पाठ करदे रहे। एक वेरी रागी भाई बचित्र सिंह जी ने वड्डे महापुरख संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा जी नूं पुछया सी कि महापुरखो, जिहड़े सिंह ने तुहाडे तों बाद सेवा संभालनी है, ओह जथे विच किहड़ा सिंह है। महापुरख कहण लगे, रागी बचित्र सिंह, अजे ओह सिंह नहीं आया जिन्हें सेवा संभालनी है, अजे जथे विच नहीं ओह आया। इह रागी भाई बचित्र सिंह जी दे वचन है। उन्होंने आप सिंघां नूं सरवण करवाए, मैं भी उन्होंने दर्शन किए है। मैं भी उन्होंने पूछया सी कि मैं क्या जदों संतां नूं सरोपो दिता सी उदों ऊपर आए सन, मेरी भी रुचि सी कि इन्हां दे मन की भावना देखा कि सच बोलते है। बोपर आए रागी भाई बचित्र सिंह जी नूं मैं भी पूछया सी कि रागी जी, 1967 विच जदों पटना साहिब महापुरशां ने ओह सरोपो अते बख्शिश दे वचन किए है, क्योंकि रागी जी दूजा पासा रखते सन मन विच और दूजा पक्ष ही रखते सन, कहन लगे नहीं, मैं सच ही बोलदा, गुरु का सिख है। संत बाबा करतार सिंह जी नूं महापुरख टकसाल की जिम्मेवारी का सिरोपा आप बख्श के गए। ये गल च कोई झूठ नहीं रती मात्र भी। कहिंदे मैं ही संतां नूं पुछया सी कि महाराज, एक बेरी उदों संत बाबा करतार सिंह जी खालसा जी जथे विच नहीं आए सन, मैं ही संतां नूं एक दिन चरण चापी करदिआं पुछिआ सी कि महापुरखां दा शरीर ढिल्ला रहिंदा कि आप जी दसो किहड़े सिंघ नूं सेवा बख्शनी है, किहड़ा सिंघ है जथे विच। तां वड्डे महापुरखां ने कहा सी, कहिंदे भाई, उह सिंघ अजे सेवा विच नहीं आया। कहिंदे कुछ साल बाद फिर मैं एक दिन अचानक पुछया, कहिंदे कहण लगे, हाँ हुण उह सिंघ जथे विच आ चुका है। साध संगत जी, एड्डी वड्डी महान आत्मा महापुरख, उन्हां बारे गलत गल्लां फैलाउणियां इह शोभा नहीं दिंदियां। सो महापुरखां ने एक बारी थोड़ो कहा। श्री अमृतसर साहब महापुरख हरिमंदर साहब की सब तो उपरली छत जिथे निशान साहब छोटा लगा होया, इत्थे संत बाबा करतार सिंह जी खालसा जी तो सुखमनी साहब ते सारा नितनेम सुन रहे सन। कहन लगे, भाई करतार सिंह, तू साडी बड़ी प्रेम नाल सेवा करना, साडे हिरदे विच इच्छा है कि तेनू अज सचखंड श्री हरिमंदर साहब तो यह जथेबंदी टकसाल की सेवा तेरी झोली विच पा दईए। ये हरिमंदर साहब वचन किए सन वड्डे संतां ने, संत बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा जी। फिर उदों संत बाबा करतार सिंह जी ने निम्रता विच आ के, महापुरखां दी निम्रता एक गहना अते खजाना हुंदा, निम्रता विच आ के कहा सी, महापुरखो, मैं तां सारे सिंघां नालों नीच हां, मैं तां सिंघां दे चरणां दी धूड़ वर्गा भी नहीं, मैं ये सेवा करन दे योग नहीं। महापुरख कहन लगे, कोई नहीं भाई, फिर समा आएगा। फिर सुल्तानपुर साहब महापुरख जत्था गया, उत्थे भी संत बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा जी ने गुरद्वारा बेर साहब कथा करके संत हटे सन, परिक्रमा करा रहे सन महापुरखां नूं, क्योंकि खब्बे पासे अधरंग दा अटैक होण करके महापुरखां नूं थोड़ा आसरा दे के रखना पैंदा सी। पुराने सिंघां नूं पता है परिक्रमा दे विच महापुरखां दे नाल परिक्रमा करा रहे सन। उत्थे भी फिर गुरद्वारा बेर साहब संत बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा जी ने बड़े प्रसन्न हो के कहा, कहिंदे भाई करतार सिंह, धन गुरु नानक साहब जी का गुरपुरब मनाया,
इत्थे सतगुरु जी ने गुरद्वारा हट साहब गरीबां दियां 13-13 कह के झोलियां भरियां, तेरी झोली विच भी सेवा पा दईए। महापुरखां ने उदों भी हथ जोड़ के खिमा मंगी। तीजी वारी फिर पटना साहब महाराज जी ने महापुरखां ने तख्त साहब दे उत्ते आप अपनी इच्छा नाल सेवा दा सिरोपाव दिता, आप कोले बुला के। फिर अरदास भी महापुरखां ने आप कीती, सच्चे पातशाह जी दे चरणां विच देग मंगा के अरदास भी आप कीती। बड़े वैराग विच आके अरदास कीती कि महाराज कलगीधर पातशाह ये तुहाडी साजी जथेबंदी दमदमी टकसाल है, महाराज तुहाडा अवतार गुरपुरब दिहाड़ा 300 साल संगत मना रही है, मैं सेवा आप जी ने जो मैनू बख्शिश कीती है, मैं आप जी की कृपा मेहर द्वारा जैसी आप जी ने प्रेरणा दिती उस अनुसार भाई करतार सिंह नूं ये सेवा सौंप दिती है, महाराज की लाज रखियो, ये तो सेवा लियो, ये सिर ते बख्शिशां भरिया हथ रखियो। अरदास आप महापुरखां ने कीती सी। सो सात संगत जी, इस करके महापुरखां ने आप प्रसन्नता पूर्वक सिरो पाउंदियां बख्शिशां दे नाल महापुरखां नूं नवाजिया सी। सो बाबा जी संत बाबा करतार सिंह जी खालसा जी तो बहुत लंबा समा पहला ही जथे विच आ चुके सन, विचारां चलदियां चलदियां। सो उदों जथे विच नियम हुंदा सी, ये थोड़े जे बचन तां मैनूं करने पए कि थोड़ा मैं स्पष्ट कर दियां, जे आपां उहनां लोकां वांगू ही बोलांगे फिर साडे विच कोई फर्क नहीं रह जाणा, समझण वाले गुरमुख समझ लैंदे है। मैं थोड़ी जी अर्जी कीती है, विस्थार पूर्वक नहीं, मैं बहुता करदा इस पासे ध्यान नहीं दिंदा। सो सात संगत जी, उदों फिर संत बाबा करतार सिंह जी खालसा जी नूं जदों महापुरख सचखंड जाण लगे सिरोपाओ तो बाद कुछ समा, सचखंड तां इत्थे महते इसे स्थान ते उन्हां ने सतगुरु दे चरणां विच लीन होना कीता सी, उदों संत बाबा करतार सिंह जी खालसा जी नूं बचन कीता सी, कहिंदे भाई समा बड़ा भयानक है, तूं अधिकारी ते अनअधिकारी ना वेखी कि इह सिंह योग है रहण दे नहीं योग, तू परोपकार करी। जे पंज बाणियां जबानी भी याद ना होण, रहि रस कीर्तन 16 जबानी याद ना भी होवे, तां जथे च रख के सिंघां नूं संथिया कराई, विद्या पढ़ाई, आपे हौली हौली नितनेम याद कर लिया करनगे। सो समा नहीं आउण वाला ठीक। सो सात संग जी उदों इस तरह जथेबंदी दे विच वड्डे महापुरशां वेले बड़े सख्त नियम सन, पर समा ही ऐसा है, अजकल हठ तप और सिदक अडोलता ये बड़ा औखा मार्ग है, हर एक दे बस दी गल नहीं है। सतगुरु महाराज अगे अरदास कृपा बेनती करके प्राप्त करिए, दात मंगिए कि महाराज कृपा करो, आप ही जप तप करवाओ, आप ही सेवा सिमरन करवाओ, आप ही परोपकार करन दा बल बख्शो। सो बाबा जी नूं महापुरखां ने नियम मुताबक बचन कीता सी, आपां उत्थे ही आईए कि भाई जथे विच असीं गुरबाणी दा नितनेम जबानी करन वाले सिंघ नूं रखदे हां, तुसीं इत्थे भिंडर कलां ही रहो, नाले संथिया करो, नाले नितनेम कर लो याद, जदों जबानी याद हो जाएगा फिर असीं तुहानूं नाल ही लै जांगे अगले साल तक जां डेढ़ साल तक। सो 45 विच महापुरख उत्थे भिंडरी महापुरखां दे पास आए, जिवें इत्थे संत बाबा करतार सिंह जी खालसा जी ने बाबा ठारा सिंह जी बापू जगीर सिंह जी नूं वख वख सेवावां ड्यूटियां जथेदारियां दित्तियां होईयां सन। पहला 13 अप्रैल 1978 दे साके विच शहीदी प्राप्त करन वाले फौजी रणबीर सिंह जी भी महते जथेदारी करदे रहे, सेवा करदे रहे, फिर बाबा ठारा सिंह जी थापे गए। सो सात संगत जी उदों गुरद्वारा अखंड प्रकाश भिंडर कलां जिहड़ी ड्यूटी जथेदारी दी अस्थान ते निभाउंदे सन, उह जथेदार कपूर सिंह जी सुधार वाले, एक तां सिंह साहब ज्ञानी कपूर सिंह जी होए आ सचखंड श्री हरिमंदर साहब सेवा करदे रहे वड्डे संतां नाल,
रह के उन्होंने गुरमति विद्या प्राप्त की सी। ये जथेदार कपूर सिंह जी सुधार नगर के सन, जिला लुधियाने। पुराने सिंघां ने मैनू दसिया कहिंदे बाबा जी की किन्नी निम्रता, किन्ना सेवा भाव, किन्ना वैरागमई जीवन। दोनों समय भिंडर कला नगर के विचों, भिंडर नगर तो बड़ी संगत इत्थे सतगुरु जी की हजूरी विच आई हुई है। जोड़ मेले विच पिंड विचों दुध दी अते प्रशादियां दी डाली करके लियाउणी, गजा करके लियाउणा, उदों इसे तरह के साधन सन। और बाबा जी आप गजा करते रहे, डाली लियाउंदे रहे, दुध दी भी अते प्रशादियां दी भी संगत वास्ते। जे गर्मी होनी तां जथेदार कपूर सिंह जी नूं गर्मी दे विच सारी सारी रात कई वारी पखा चलदे रहना और उन्हां दी चरण चापी करनी। सियालां दे विच फिर उन्हां अगे हाजर रहना, रात नूं सेवा दे विच उन्हां दे चरण घुटदे रहना। सो साध संगत जी ऐसा वैरागी जीवन सी महापुरखां दा। एक जथेदार सी ममूली, पर उह सिंह दी भी सेवा करदे रहे आप जी। फिर महापुरख आए, बाबा जी दा जीवन सेवा सिमरन वाला परउपकारी त्यागी विरागी वेख के महापुरख फिर जथे विच ही नाल लै गए। ये वचन बाबा जी ने अमेरिका विच आप अपने मुखारबिंद तो सुनाया सी। कहिंदे भाई करम सिंह जी मोहाली कोले सी उन्हां दा नगर, मैनू ना उस नगर दा विसर गया। भवात नगर, भवात नगर दे सन भाई करम सिंह जी। उन्होंने बहुत लंबा समा वड्डे संतां दे मुख गड़वई दी सेवा कीती, पर किसी गलों नाराज होके महापुरखां कोलों चले गए। तां साध संगत जी महापुरखां ने जथे दे सिंघां नूं कहा, भाई कोई सेवा करन वास्ते मेरी सेवा विच आओ। कई सिंघां ने बेनतियां कीतियां, पर साध संगत जी महापुरखां दे कोई योग अधिकारी ना होण करके महापुरशां ने आग्या ना दित्ती। उधर बाबा जी कहिंदे भी मेरे मन विच अचानक वैराग पैदा होया कि मैं जथे विचों चले जाणा। मेरा मन वैसे उपराम हो गया वैराग दे विच। तां कहिंदे तोगल नगर दे इलाके दा बचन है, मैं अचानक वैराग दे विच विच ही तुरिया जांदा। दुपहरा सी और गर्मी बहुत सी, मैं किकर नाल ढो ला के बैठ गया भी थोड़ी जी धुप तो राहत मिले, मौसम ठीक हो जाए, ठंडा हो जाए, फिर अगे तुरंगे। मैं कहिंदे नितनेम करन लग पिया, पाठ करन लग पिया। पाठ करद्या करद्या बाबा जी नितनेमी बहुत ज़्यादा तकड़े नितनेमी सन। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁੰਦਰ ਗੁਟਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਰਾਜਣ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਸੁੰਦਰ ਗੁਟਕੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਰਾਜਣ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਢੋ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਢੋ ਲੱਗਦਿਆਂ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਠਾਕਰ ਸਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਯਥਾਰਥ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਧਾਕਲ ਵੱਕੜੀ ਪਾਈ, ਨਿਹਰਾ ਨਾਉ ਨੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਕੰਬਦੀ ਰਹੀ ਕਲਾਏ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖ ਕੇ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਏ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਪਨਾ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਗਹਿਓ ਕੀ ਨਾ ਅੰਚਲਾ, ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਖ ਬਰਾਜਤ ਪੇਖ ਮਨ ਬੰਚਲਾ।
हे वाहिगुरु परमेशर सुपने दे विच तू संघासन दे उत्ते बैठा है पर तेरा प्रकाश करोड़ां बिजलियां नालों भी तेज प्रकाश है। उस प्रकाश नूं वेख के अखां चुंदे आ गईयां तक ना सकियां इतना वड्डा तेज प्रताप सी महाराज ते बिरती जिहड़ी आ उह चलाएमान हो गई। इस करके भाई सुपने विच भी कई वारी गुरमुखां नूं वैसे तो चार तरह के दर्शन मन्ने आ विद्वानां ने चित्र दर्शन सुपन दर्शन सरवण दर्शन प्रतख दर्शन। इस्लाम धर्म के लोग मनते हैं कि जो बंदगा रब की इबादत परमात्मा की बंदगी भगती करता है सब तो पहला उदा मन निर्मल जो होन लगता बंदगी करदे उन्हूं सुपने विच दृष्टांत खुदा दे होन लग जांदे जिहदी भगती बंदगी कहिंदे बहुत अगे चली जाए उहदी खुदा कहिंदे दुआ भाव प्रार्थना अरदास सुन के पूरी कर दिंदा और कहिंदे जिहदी होर प्रार्थना परमेशर दे दर ते प्रवान हो जाए वाहिगुरु उन्हां दे मन दे मनोरथ भी पूरे कर दिंदा। कोई विरला हुंदा बाबे फरीद जैसा महापुरख जिन्हों फिर प्रतख खुदा दे नूर दे दर्शन हुंदे है। इस्लाम धर्म दा इह विश्वास है कि सब तो पहली मंजिल जे कोई साधक तपस्वी परमात्मा दी वाहिगुरु दी खुदा दी बंदगी भगती करदा उन्हूं पहला सुपने विच ही दृष्टांत हुंदे है। ईसाई धर्म दा भी यही अकीदा है कि सुपने विच उस नूं गॉड दे दर्शनां दा जां उहदे बचनां दा जां उहदी अगवाई दा जलवा प्राप्त हुंदा है। सो इस करके बाबा जी नूं सुपने विच इह अनुभव जां इहनूं दृष्टांत कह लो इस करके बाबा जी नूं सुपने विच ही दर्शन होए। कहिंदे सफेद वस्त्र पाए हुए सन नूरी चेहरा सी उन्हां दा शहीद सिंघां दे दर्शन गुरसिखां नूं सुपने विच भी हो जांदे है। भागां वालिआं नूं गुरु साहिब दे दर्शन सुपने विच भी हुंदे है। रहो विचार। सो बाबा जी कहिंदे मेरी जाग खुली मुड़ के मैं फिर वापस महापुरखां वल नूं तुर पिया। देखो दृष्टांत किवें सही साबित हुंदा। कहिंदे अगे महापुरखां दे कोले सारा जत्था बैठा सी मीटिंग चल रही सी कि किहड़े सिंघ नूं सेवा विच लाउणा। दो चार सिंघ वारों वारी खड़े होए महापुरशां ने सेवा तों इनकार कर दिता। कहिंदे मैं भी पिछे बह गया देरी नाल पहुंचिया सी ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਚਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੁਸਕਰਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ। सो साध संग जी बाबा जी फिर सेवा विच लगे। एक बचन होर कहिंदे एक साल बड़ी मेरी करड़ी परख होई महापुरशां द्वारा। कहिंदे पिंडरी जोड़ा टुट गया महापुरशां दा मैं गंढाउण वास्ते गया ते 50 पैसे लैके गया। पुराने समय च दवानियां चवानियां अठियानियां हुंदियां सन 25 पैसिआं नूं चवानी कह दिंदे सन। सो साध संगत जी जिहड़े मोची ने महापुरशां दा जोड़ा गंढिया ना उहदे बणदे सन 25 पैसे ते मैनू गरीब वेख के उते तरस आ गया मैं उहनू 1 रुपया देता। बाबा जी बहुत दयालु ते परोपकारी महापुरख सन। तुसीं उहनां दे दर्शन कीते है। साध संगत जी उहनां ने अपने जीवन बहुत वड्डा परोपकार कीता है। चाणक जी कहिंदे है महापुरख किसनू कहा जांदा जिहड़ा परोपकार करदा। परोपकार के लिए अग्रसर होता है उसको महापुरख कहा जाता है। उन्होंने अपनी भाषा विच शब्द वरते है। कहिंदे जिहड़ा परोपकार लई अग्रसर अगे होके चलदा उसे नू महापुरख मन्निया जांदा। तपस्या जिन्नी मर्जी कर लवे साधन जिन्ने मर्जी कर लवे जे परोपकार नहीं ना
बाबा भाग सिंह खेड़ी वाले महापुरखों के वड्डिया के जथे विच रहे, इत्थे भी बाद विच आउंदे रहे है। वो कहिंदे जदों महापुरश मैनू सेवा विच छुट्टी देण लगे, कहण लगे भाग सिंह जे माया आवे ना तेरे कोले तां लंगर चलाई, जे होर माया आवे गुर दरबार बना दी, सेवा करा दी, माया दा मोह ना करी, पर उपकार लई वरती। ते महापुरशां ने पंगती पढ़ी, मिथ्या तन नहीं पर उपकार। कहिंदे जिहड़ा तन शरीर पर उपकार नहीं ना करदा, वो दूसरे प्राणियों की तरह नाशवंत है, झूठा है। इस करके परोपकार नाल ही जीवन सफल होंदा, परोपकार करना। बाबा जी ने किन्ना परोपकार किया साध संगत जी, किन्ने सिंघा नूं गुरमत की विद्या कोले रख के पढ़ाई, और दुनिया भर के देश विदेशों में जा के आप जी ने सिखी का प्रचार करदिया किन्ने प्राणियों के नशे छड़ाए। किन्ना दयालु सुभा सी, मैनूं बचन याद आ गया। टोरंटो तो साध संगत जी बाबा जी गए, दास भी गड्डी विच नाल सी, ते एक किसे सिंह दा फोन आया कि छोटा भचंगी बहुत ज़्यादा सीरियस है, उन्हां दा होस्पिटल विच दाखल है। सिंह होर भी नाल सन। बाबा जी कहिंदे की फोन आया? कहिंदे जी भी इस तरह कोई छोटा बच्चा बड़ा सीरियस है, ढिल्ला, ते वो कहिंदे अरदास करो। किन्ना दयालु जीवन सी। बाबा जी कहिंदे गड्डी रोको, हुणे गड्डी रोको, सड़क ते गड्डी रोक के बाबा जी ने जोड़ा लाया, उस बच्चे का नाम लैके अरदास कराई, आप पंजा सिंघां विच उत्थे खड़ के, और वो बच्चा उदों ही तंदुरुस्त हो गया दूजे तीजे दिन। इन्ने परोपकारी साधु सन साध संग जी, दुख देख के सहार नहीं सकते सन। पर दूजे बन्ने मैं भी नाल सी, ज्ञानी परमिंदर पाल सिंह जी बुटर ये भी नाल सन। महापुरखों के कथा यही करते सन, जदों विदेशों में बाबा जी जाते सन तो साध संगत जी एक सिंह के घर गए, उन्होंने घरे महाराज का प्रकाश, उन्होंने देग तैयार करके रखी हुई। बाबा जी नूं कहिंदे महाराज सतगुरु का प्रकाश है, मेरे नाल आप वापरी है। बाबा जी कहिंदे कित्थे है? कहिंदे जी आ इस कमरे च प्रकाश है। महापुरख उत्थे चले गए, चरण धो के सतगुरु जी नूं नमस्कार कीती। वो परिवार कहिंदा जी अरदास करो। बाबा जी मैनूं कहिंदे चल कर अरदास। अरदास करन तो पहला बाबा जी कहिंदे भाई अरदास कादी करवाउणी? वो कहिंदे साडा एक मरीज है होस्पिटल च, उहनूं कैंसर है, उहदी अरदास कर। बाबा जी मैनू कहिंदे तू झलेंगा? आप ही मैनू कहता भी अरदास कर, मैनू कहिंदे तू झलेंगा? मैं कहा जी मैं नहीं झल सकता, एडा वड्डा भार मेरे बस की गल नहीं। कहिंदे फिर आप अरदास नहीं करनी। कहिंदे कदे भी किसी रोगी की अरदास नहीं करनी तू। हाँ अगला बाणी पढ़े, नितनेम करे, सेवा करे। मैं कहा जी देग बनी हुई है? कहिंदे देग दी किसे सिंह तो अरदास कराओ, आपां तंदुरुस्तियां दे। देखो उन्होंने किन्ना बचन कहा। कहिंदे जिहड़े रोग लगदे है ना, ये पाप कीते हुए हुंदे है। किसी का रोग किसी का दुख हटाना मतलब यह है भी किसी का पाप अपने सिर पर ढलना होता, अगले का भार अपने सिर पर लै लेना, यही मतलब होता है। रोग जिहड़े लगते अपने पापों का फल होता। संगत जी महापुरखों ने नाले वो बड़ा अमीर घर से, परवाह नहीं की सतपुरशा ने, बेपरवाह सदा रंग हर कर, बड़ा बेपरवाही जीवन सी। भाई हरभजन सिंह जी मुंबई वाले दसदे आ बंबे प्रोग्राम बने ते विच्चों छड़ के आ गए, परवाह ही नहीं की। संगतां डीकदियां रहियां। सो कई वारी जदों उन्हां दी मौज आउंदी सी, वड्डियां वड्डियां दी परवाह नहीं करदे सन फिर। सो साध संगत जी इस करके बच्चे दा देखिया भी ये बच्चा असमर्थ है,
ये बेचारा जन्म तो ओदा कष्ट दूर कर दिता, पर जेड़ा चंगा भला सी एडा भयानक रोग सी कहिंदे पिछले जन्मां दे पाप है, इस करके कहिंदे बाणी पढ़े सेवा करे गुरु साहब नूं पाऊगा ठीक हो जाऊगा। इस करके साध संग जी ओ परोपकारी भी एडे वड्डे सन, बहुत दयालु, बड़े बचन है उन्हां दे, समां नहीं आग्या दंदा। सो परोपकार उन्होंने बहुत किया जीवन में, इन्ना परोपकार किया, इन्ना दयालु हिरदा। सो ऐसे महान परोपकारी महापुरख सन। कहिंदे वड्डे महापुरखां ने मैं गरीब जान के एक रुपया देता जोड़ा लेके आया, पिंडरी महापुरशा ने पूछा भाई किन्ने पैसे बने, मैं क्या जी 54 बनती सी मजदूरी, उन्हें मंगी कहिंदे किन्ने दे के आया, कहिंदा जी 1 रुपया। कहिंदे संत उदों ही भज के मेरे गल पै गए, कहिंदे तू जथे संगत दी माया बर्बाद करके रख दित्ती। कहिंदे 10 दिन मेरी आरती हुंदी रही, जिहड़े सिंह नूं झिड़कदे सन ना महापुरख, उदों जथे विच वचन हुंदा सी वी फलाने दी अज आरती हो गई। कहिंदे मेरी आरती होई 10 दिन, रोज़ ही मैनू जदों मैं कोले जाना, तू बड़ा खर्चीला, तू मां जथे संग दी माया बर्बाद करती, तू मजदूरी दंदा ज्यादे माया तू किनू पुछ के दित्ती है, ये संगत का एक एक पैसा तू इन्ना इन्ना खर्चीला बंदा, कहिंदे तू उजाड़दा माया, बहुत झिड़का मारियां। कहिंदे आखिरकार कहिंदे मैं महापुरशां नूं बेनती कीती 10 दिनां में, महाराज मेरे तो गलती हो गई, मैनू खिमा कर दिओ। कहिंदे भाई तेरे हत्थां तो लखां करोड़ां ही सेवा होनी है, लखां करोड़ां दी, इस करके तैनू ये वचन किया कि तू माया संजम नाल वरती, तेरे राही बहुत वड्डियां वड्डियां सेवावां होणगियां। बाबा जी ये वचन कहिंदे महापुरख, इस करके उन्हां नूं पता सी कहिंदे वड्डियां जिम्मेवारियां मैनू प्राप्त होणगियां। देखो अकाल तख्त साहिब जी दी सेवा उन्हां दे हत्थी होई, करोड़ां रुपया लगा, 2 क्विंटल दे लगभग सोना ही लग गया सी उस समय, उन्हां ने सेवा कराई सारी, मैते हॉस्पिटल अकैडमी बनाउण दी सेवा। कहिंदे 1 साल इन्नी मेरी परख होई, थोड़ा जा कसूर किणका कसूर होना, पहाड़ जिन्नी ताड़ ना होनी। कहिंदे महापुरखां ने इहो जिहा सख्त पहरा कर लिया भी ठाकर सूनू भजा के हटना जथे विच्चों। बाबा जी ने जिवें बचन कहे ना मैं उवें कहण लगा। कहिंदे मैं भी मन विच कहा महापुरखो मैं भी जट दा पुत है, छड के मैं भी नहीं तैनू जांदा, जिन्ना चिर मेरे सिर विच शरीर विच प्राण चलदे। कहिंदा बस साल होया सी, साल तो बाद महापुरख इन्ने कूल, इन्ने ठंडे, इन्ने नरम हो गए ना, अखीरले दम जदों चढ़ाई कीती कदे मुड़ के महापुरखां ने मैनू नहीं कदे सख्त बचन कहा, ते ना मेरा कदे कोई बचन मोड़िया सी, इन्ना महापुरशां दा दयालु, अखीरले दम तक फिर मेरे नाल बहुत प्रेम करदे रहे, बहुत सेवा कीती। साध संगत जी पुराने सिंह दसदे आ अपने माता पिता की जिहड़ी किरिया हुंदी है ना बंदा वह नहीं कदे करा सकदा, पर बाबा जी ने 8 साल महापुरखां दी किरिया, डाक्टरां ने दस्या होया सी सवेरे जदों मैदान जाना कमरे दे विच इट्टां रख के हवा ना इन्हां दे शरीर नूं लगे, धरंग दा अटैक सी, मैदान वाले हथ भी तां मैं सीधा दसदा किरिया तो कईआं नूं पता नहीं लगता, मैदान भी हत्थी चुक के बाहर लैके जाना, हथ भी महापुरखां दे आप धोणे बाबा जी, जो महापुरखां दा नियम सी सजे हथ नाल धन गुरु ग्रंथ साहब जी दे अंग थलदे सन, ते खब्बे हथ नाल अपने शरीर की किरिया की सफाई करदे, भावें मांड दे कट्टे सन पर महाराज दा इन्ना अदब करदे सन कि सजे हथ नाल ही अंग थलणे, गुटकियां दे, सतगुरु जी दे सरूप दे, भागां दे। इस करके उन्होंने अपना निजम खब्बा हथ खड़ो गया, सज्जा किरिया नूं लाउणा सी, किरिया नूं नहीं लाया, उह किरिया वाले हथ बाबा जी धोंदे रहे 8 साल लगातार। थोड़ी सेवा, इन्नी सेवा कौन कर सकदा, बहुत कठिन सेवा साध संगत जी।
जिहड़ी उन्हां महापुरखां ने कीती। और फिर इशनान भी, और कई सिंह तां मुट्ठी चापी करन आउंदे चले जांदे, सारा दिन सारी रात मन तन अग राख के ऊपी सेव करे, 24 घंटे संतां दे चरणां विच ही खड़े रहना और हाथ जोड़ के उड़ीकना भी कदों हुक्म आ रहा ते मैं तुरंत पूरा करा। इन्नी सेवा उन्होंने की वड्डे महापुरशां दी, मुख गड़बई रह के कहिंदे। फिर उन्होंने बख्शिशां भी बड़ियां कीतियां, कहिंदे इशनान करा के हटे कशहरा बदल रहे सन। कहिंदे मेरे मन विच इह संकल्प होया कि पूर्ण संत की संगत करदिआं होइआं उहदी सेवा करदिआं वाहिगुरू मंत्र अपने आप अंदर चल पैंदा। मैनू इन्ने साल हो गए इन्हां दी सेवा करदिआं, मेरे अंदर वाहिगुरू मंत्र दा जप्पा जाप नहीं चलिआ। जप्पा जाप जिहदे चल पवे उहनूं कहिंदे आ संत, जिन्हां सास ग्रास ना विसरै हर नामा मन मंत धन से सही नानका पूर्ण सोई संत। कहिंदे संतां ने अजे फुरना ही होया सी, मेरे वल गंभीरता नाल वेख्या तां कहिंदे इकदम जिवें अंदरों मशीन चल पैंदी आ वाहिगुरू मंत्र अपने आप चल पिआ। कहिंदे ऐसी उन्हां दी दृष्टि, महापुरखां दी दृष्टि विच इह गुरु दी किरपा वरतदी हुंदी। फिर कहिंदे इक दिन फुरना आया भी जदों वाहिगुरू मंत्र चलिया बड़ा आनंद बड़ा रस बड़ा मन ऐन सिमरन विच लीन रहना ठंडा ठार रहना। मैं आख्या जथे विचों संतां तों छुट्टी लै के हुण नगर चले जाइए, एकांत विच रह के जप तप तपस्या करांगे भजन करांगे। जिहड़ी अवस्था बननी सी ओह महापुरखां ने किरपा कर दित्ती है, इस करके आग्या लै लईए। उदों भी कहिंदे संत इशनान ही कर रहे सी, कहिंदे मेरे वल वेख के कहिंदे अंदरों ही बुझ के कहिंदे ठाकर सिया मैनू छड के हुण किहड़ी मां कोले जाणा, तेरा ते मेरा, तेरा शरीर ते मेरा शरीर, तेरी उम्र भी मेरे जिन्नी सी कहिंदे, पर तूं तेरा शरीर साडी सेवा वास्ते आया सी मात लोक ते, पर तेरे मन दा फुरना भी मैं सिंघां दी सेवा करां महापुरखां दी करां। कहिंदे हुण तूं जदों मर्जी आ जाई सेवा कर ले रज रज के, ये भी बचन कीते सन महापुरख। ते कहिंदे क्या हुण नहीं तैनूं मैं जान देना। इन्हां महापुरखां नाल स्नेह, साध संगत जी एड्डी वड्डी कमाई एड्डी वड्डी घालना, उन्हां महापुरखां दी परोपकारी तेरे जन परोपकारी आए। प्रधान भाई गुरदास सिंह जी कहिंदे है संत भगत गुरसिख हैं जग तारण आए, से उपकारी जगत मैं गुरमंत्र जपाए। महापुरख संत बाबा प्रदीप सिंह जी बोरे वाले आए, इन्होंने बचन आप सुनाउणगे पर मैनू भी इन्होंने बचन सुनाया। कहिंदे मैं हरिमंदर साहब दर्शन करन गया, मेरे परना जा बद्धा होया सी, आम आम नौजवानों दे विच सी मैं, आम सिंघां दी तरह आम नौजवानों दी तरह। ते बाबा जी बस उदों अकाल तख्त साहब जी दी सेवा चल रही सी, बाबा जी बस लैके जदों तुरन लगे कहिंदे साडे मन विच आया भी बाबा जी दे दर्शन करके फतेह बुलाईए। सारिआं ने फतेह बुलाई, कहिंदे जदों मैं गया किसी नूं सेव नहीं दिता, कल्ला मैनू सेव दिता ते मेरा हाल चल पुछया। इन्नी दिव दृष्टि दे मालक, कहिंदे उदों तां मैनू पता भी नहीं सी वी महाराज ने मेरे तों किन्नियां सेवावां लैणियां। अज महाराज बहुत वड्डियां सेवावां लै रहे हैं, उहनां दी ऐसी दृष्टि सी संत बना दिता इक्को ही तकनी दे नाल। अंतरजामी वाहिगुरू दे प्यारे हुंदे है। सो साध संगत जी कईयां नूं फिर इह हो जांदा वी तुसीं अपने संतां दी ज़्यादा वडियाई करदे हो। टकसाल दा वी नियम है वी गुरु की वडियाई ज़्यादा करनी, महापुरखां दी गुरसिखां दी सीमित रूप विच करनी। चलो ये थोड़े बचन सन, बचन उन्हां दे बहुत है, जीवन उन्हां दा समुंदर वर्गा सी।
मैं तो उन्होंने जीवन यो जि समझिया कि कबीर जैसी उपजी पेड़ ते जो तैसी निभ है ओढ़ हीरा किसका वापरा पुजह न रतन करोड़। वो ऐसे जीवन के मालक सन। उन्होंने महापुरखों की आप याद में बैठे हो बड़ी घालना उन्होंने घाली और अखीरले स्वास तक साध संगत जी सारी जिंदगी घालना ही घाल दे रहे। थोड़ा जहा कोई संत किसी के नाल लकब जुड़ जाए ना संत शब्द का वो किन्ने किन्ने सेवादार रख लेंदा सेवा करनी छड़ देंदा मत्थे टकाउण लग जांदा। पर धन महापुरख बाबा ठाकुर सिंह जी किड्डी सतगुरु ने उन्होंने बख्शिश की ते जदों संगत विच बैठना सारा कथा कीर्तन सुनना ते अरदास तो हुक्मनामे तो बाद लक बन के देग वरतौनी। कई बार साडे सिंघां नूं महसूस हुंदा वी देग ना वरतौनी पवे लंगर नहीं पर बाबा जी आप देग संगत नूं वरतौण लग जांदे सन। आप लंगर आप संगत दे जूठे भांडे मांजण लग जाणा। बाबा जी दे पिंड गए मैं ये भी गल स्पष्ट कर दिया। बाबा जी का साध संग जी आनंद कारज जत्थे विच आउण तो पहला होया होया सी। पुराने समय च आनंद कारज छोटी उम्र विच कर दिंदे सन पर मुकलावा जदों बच्चा जवान हो जांदा सी उदों लड़की का मुकलावा दिंदे सन सहुरे जिहड़े हुंदे सी। सो बाबा जी का आनंद कारज हो चुका सी मुकलावा नहीं अजे आया सी। मुकलावे तो पहले ही जत्थे विच आ गए। फिर बाबा जी दे छोटे भरा भाई वीर सिंह जी वो बाबा जी दे नाल जिस माई का आनंद कारज होया सी ना बीबी का वो फिर भाई वीर सिंह व्याह के लियाए मकलावा आनंद कारज कट्ठा ही फिर उन्होंने परिवार ने रिश्ता कर दिता। उन्होंने सुपुत्र भाई खजान सिंह है जो बाबा जी दे भतीजे है। अखे बाबा जी ने अपने घर वाली मारती सी किहो जिहा दोष ला दिता एडे वड्डे महात्मा दे उत्ते। सो साध संगत जी मैं ये गल्लां तां स्पष्ट करदा कि पता होना चाहिए तुहानूं। माई दे असीं दर्शन करदे रहे हां जथेदार बाबा जी सिंह जी बैठे है सेवा कर रहे हैं। कहिंदे इक वारी वो भाई खजान सिंह की माता मिलन आई बाबा जी उत्ते विद्यालय विच बैठे सन। सिंघां ने दस्सिया कि तुहाडा भरा ते तुहाडा परिवार आया। कहिंदे कोई नहीं सिंघां नूं बाबा जी कहिंदे भाई जल पानी छका दिओ। जथेदार बाबा जीत सिंह फतेह बुलाउण गया कहिंदे जीसियां ये माई नाल मेरे आनंद कारज होए सी मैं फिर महापुरखां कोले आ गया सी बाद दे विच मेरे छोटे भरा नाल फिर इस दे आनंद कारज कर दित्ते सन। सो साध संगत जी ये गल्लां तो बहुत सचेत रहण दी लोड़ है। पुराने सिंघ कईआं ने ईरखा विच बड़ियां गलत गल्लां महापुरखां दे प्रति प्रचलित कीतियां। ये ईरखा ही झलकदी है ये कोई गुरमुखता ही नहीं है। इस करके महापुरखां दा आनंद कारज जरूर होया सी पर उस माता दा फिर मगरों ब्याह उन्होंने छोटे भरा नाल कीता सी। क्यों ये गल्लां सामने आईआं तां मैं स्पष्ट कर रहा कि तुहानूं पता लग जाए। आखे उन्होंने तो जी उन्होंने तो एडा पाप हो गया नींद ही नहीं आती सी फलाना नहीं होंदा सी धमकड़ा नहीं होंदा सी को कर्म हो गया। आखे इहो जिहियां गल्लां शोभा नहीं दिंदियां हन। तो मैं ये गल्लां तां स्पष्ट कीतियां भी करनियां भी मेरा फर्ज बनता। सो महापुरखां दा वो आनंद कारज होया सी मुकलावा नहीं आया सी। वो माता दे मैं बहुत वारी दर्शन किते। सानू बाबा जी अपने पिंड अगे रोडिया नू जाना सी मैं नाल सी सदर वाले गए उही भाई खजान सिंह दे घरे मगरों फिर परिवार सदर वाले आके वस गया सी ना पाकिस्तान बनन तो बाद। बाबा जी दा पिंड तां इच्चों गिल सी लाहौर जिले विच उत्थे सिंह नाल सन। बाबा जी कहिंदे वी सारे जथे नू प्रशादा छकाओ। असीं आख्या एडा वड्डा जथा ये बेचारे प्रशादा कित्थों बनाउणगे इन्नी जल्दी। साध संगत जी बाबा जी ने छोलियां दी दाल धराई साडे सामने आप तड़का लाया सारे जथे दे सिंघां दी दाल। देखो किन्नी सेवा मैं वो बचन करदा किन्नी सेवा भावना उन्हां महापुरखां दे हिरदे विचों दाल नूं तड़का अपने हत्थी लाया हीटर दे उत्ते। कहिंदे तड़का मैं लाउणा मेरे घरे जथा आया। कहिंदे
जथे दे संग जवाइया नालों वध प्यार करके रखने पैंदे आ कहिंदे ये बचन उदों कहे मेरे घर विच जत्था आया ते सेवा मैं करनी आप तड़का लाया सारे जत्थे नूं प्रशादा छका के फिर घरों अगे लैके गए सेवा भाव इन्ना उन्हां दे हिरदे विच डुल डुल पैंदा सी पर उपकार उन्हां दा जीवन सी साध संग जी। सो ऐसे सतपुरशां दी आपां याद विच बैठे हाँ हुण मैं अगे ना जावां आए हो श्री मुख वाक दी कथा सुनो। धन गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह जी सोरठ रागणी विच परम पवित्र उपदेश बख्शिश कर रहे हैं और ये शब्द दी आप कथा प्रेम अते एकाग्रता दे नाल सरवण करो। प्रभु की शरण सगल पै लाथे प्रभु वाहिगुरु परमेश्वर की शरण लैण दे नाल उहदी ओट लैण दे नाल उहदे चरणां दा आसरा लैण नाल भाई सारे डर पै लै जांदे आ। प्रभु शब्द जिहड़ा ना साध संगत जी इस दी बड़ी सुंदर इहदी अर्थ व्याख्या कीती है पर शब्द जिहड़ाना ये उपसर्ग है ते प शब्द है जिहड़ा ये सत्याम है ये दोनों दा मिलके जिहड़ा अर्थ बनता है भी प्रभु किनू कहा जांदा है प्रभु दा अर्थ की है। प्रभु दा अर्थ ये है जिहदी होंद हस्ती सदीव काल रहे उन्हूं प्रभु कहा जाता है उन्हूं प्रभु भी कह सकते हो प्रभु भी कह सकते। धन गुरु अर्जन देव साहब जी ने किड्डी वड्डी कृपा की और टकसाल विच इहदा अर्थ किया जाता पर विशेष करके जिहड़ा सारे भय मेट देवे उन्हूं प्रभु कहा जाता है। वह कौन है अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर इस करके उहदी शरण लैण नाल भय दे दो अर्थ है एक डर भी है एक अग्ञान भी है अग्ञान जन दुख भी सत प्रकार का भय भी है भय परलोक भय जन्म वेदना जात अन रखिया और गुप्त भय अकस्मात्र भय सात ये सारे भय डर लह जाते हैं निवृत हो जाते हैं केड़े केड़े दुख दूर होंगे दुख बिन से सुख पाया जिन्ने भी दुख है महाराज कहते जिन्ना भी दुखों का मन विच भय है ना डर है ये सारे दुख अज्ञान जन दुख ये सारे नाश हो जाते हैं सुख स्वरूप वाहिगुरु की प्राप्ति हो जाती है सुख स्वरूप परमेश्वर ही है जां उहदा नाम है सर्व सुखां का दाता सतगुरता की सरणी पाई है सुख स्वरूप वाहिगुरु की प्राप्ति जदों हो जाए तो सारे सुख ही मिल जाते हैं इस करके भाई सारे आत्मक सुख ब्रह्मानंद दे सुख ये सारे उन्होंने प्राप्त हो जाते हैं। हाँ संसार के दुख भी उन्होंने दूर हो जाते हैं परमेश्वर उन्होंने सारे सुख बख्श दिंदा है दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी वो व्यापक ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु जो पापा पुन्ना तो परे है जिन्हां उत्ते वो वाहिगुरु दयालु हो जाता है पूरा सतगुर ध्याया वो पूरे सतगुरु दे दर तो मिले हुए नाम दा सिमरन करदे अठे पहर उन्हों ध्याउंदे रहिंदे आ जुड़े रहिंदे आ परमेश्वर की दयालता की है जिहड़ा वाहिगुरु की याद ना भुले परमेश्वर का सिमरन ना भुले यही वाहिगुरु की दयालता ते वाहिगुरु की दयालता कदों मिलती है जदों सतगुरु द्वारा बख्शिश किए हुए नाम द्वारा मन नू हिरदे नू उहदे नाम विच जोड़ के दे सरूप का ध्यान लिया के हिरदे विच सरगुण का ध्यान निर्गुण का ज्ञान दोनों का साधन करता है ना फिर ही वह वाहिगुरु दयालु हुंदा है स्वामी मालक परमेश्वर फिर वह भाई पूरे सतगुरु की दसी जुगती द्वारा वो नाम ध्याउंदे आ ध्याउणा की ध्यान अठे पहर उहदे विच जुड़िया रहना लगा रहना प्रभ जीओ तू मेरो साहिब दाता ए वाहिगुरु तेरी सदीव सत्ता है इस करके जीवां दा भी तू जीओ आसरा है ते मेरा भी साहिब मालक है ते सारियां दातां देण वाला होण करके तेरा नाम दाता पै गया इस करके तू सारियां दातां देण वाला सारियां दा मालक भी है कर कृपा प्रभ दीन दयाला हे कृपा दे खजाने हे सच्चे पातशाह साडी अरदास है कि साडे उत्ते दयालता करो असी दीन दुखी हाँ इच्छा भय दे संजुगत जिहड़ा है उहनूं दीन कहा जांदा है
सीधा अर्थ होगा दुखी। महाराज जमन मरण का दुख है, ये मेट दो संसार के दुख मेट दो, ये कृपा कर दो। और वड्डी दयालता की करो सच्चे पातशाह, कृपा करके अपने दीना दे उत्ते गुण गावो रंग राता। आप जी दे गुणा नू, आप जी दी महिमा नू, आप जी दी कीर्तन नू प्रेम दे विच रंग के अपनी बिरती नू, ऐन रंग चढ़ जाए प्रेम दा, प्रेम विच रत्ते जाइए, फिर वाहिगुरु दे गुणा नू गाउंदे रहिए। ये दयालता साडे ते करो, जिन्हां उत्ते प्रेम दा रंग चढ़ जांदा ना साध संगत जी, उन्हां दी अवस्था अठे पहर वाहिगुरु दे नाम विच जुड़ी रहिंदी है। कैसा प्रेम माता भाग भरी दा प्रेम वेखो। बस्तर दी पूणियां पहलां बनाईयां उन्हें रूं दियां, फिर चरखे नाल एक एक तंद कत्ती है, फिर बस्तर बुनिया है, फिर उन्हें तैयार करके रंग दे के फिर चोला सीता धन गुरु हरगोबिंद साहिब। और पूणिया तो लैके बस्तर तैयार होने तक इन्ना प्रेम दे रंग विच रत्ती हुई है। धन गुरु हरगोबिंद साहिब, धन गुरु हरगोबिंद साहिब, धन गुरु हरगोबिंद साहिब। महाराज बिरद अवस्था हो गई, शरीर का हुण कोई भरोसा नहीं। ये अखीरले वस्त्र मेरे अपने हथी आप धारण कर लो, प्रवान कर लो। किथे कश्मीर श्रीनगर, किथे अमृतसर साहब, प्रेम की अवस्था, प्रेम की खिच। धन गुरु हरगोबिंद साहब अचानक घोड़े ते सवार होके कश्मीर नू चल पे माता भाग भरी की इच्छा पूरी करने वास्ते। ये प्रेम दे विच जड़े रत्ते हुए रंगीत गए जड़े बई, वो ऐ रब नू बस विच कर लेंदे, परमात्मा नू वाहिगुरु परमेश्वर नू गुरु नू ऐसा रंग चढ़ जाए सच्चे पातशाह। विश्राम दे के हजूर फरमाउंदे हन दयालता हो जे रंग प्रेम दे विच रह के, प्रेम दा रंग चढ़ जाए। जिन्हां दे उत्ते प्रेम दा रंग चढ़ गया, महाराज कहिंदे रंग दा अर्थ आनंद, आनंद भी उन्हां नूं प्राप्त हुंदा वाहिगुरु दी प्राप्ति दा। विश्राम दे के फरमाउंदे आ सतगुर नाम निधान दृढ़ाया। सतगुरां ने ऐसा नाम सानू दृढ़ करा दिता, गुरसिखो आपां नूं बख्श दिता, जिहड़ा नौ निधियां अठारह सिद्धियां दा खजाना। नाम जप के नौ निधियां अठारह सिद्धियां प्राप्त हो जांदियां, ते निदान सारे गुणा दा भी खजाना नाम। नाम जपन वाले किड्डे किड्डे ऋषि मुनि संत भगत होए, पापियां ने भी जे नाम जपिया वो गुणा दे खजाने बन गए। इस करके ऐसा नाम जिहड़ा सारे गुणा दा खजाना, रिद्धियां सिद्धियां दा खजाना, भगती दा खजाना, वाहिगुरु दियां बख्शिशां दा खजाना। महाराज वो ऐसा नाम सानू दृढ़ दृढ़ता हुंदा है, पक्का होके हिरदे वस जाए। पहले तो पंज पैरे दृढ़ ही कराउंदे आ ना, पंज वेरी मूल मंत्र, पंज वेरी वाहिगुरु मंत्र। ते दृढ़ कदों हुंदा, पंज पैरे कहिंदे इहदा हुण अभ्यास करी। जदों अभ्यास करदा, अभ्यास करदिआं करदिआं फिर वो नाम अंदर वस जांदा, उहनूं कहिंदे दृढ़ होना। श्वासां विच नाम दा प्रवाह चल पैणा, वो असली दृढ़ हो गया। नाम ना भुल्ले, पक्के रूप दे विच नाम दी प्राप्ति हो जाए। ऐसा नाम जिहड़ा ऐसा दृढ़ नाम हो गया, उन्हां नूं ऐसी दृढ़ अवस्था सतगुरु जी बख्श दिंदे है। नौ निधियां भी बख्श दिंदे है, शुभ गुण भी बख्श दिंदे है, भगती भी बख्श दिंदे है। ते साध संग जी उन्हां दी अवस्था इन्नी दृढ़ हो जाती है, वह डोलदे नहीं मुड़ के। कबीर साहब कहिंदे तन ना टिकै डिगै मन काहे को डराए, राम नाम चित रहो समाए। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृग छाला पर बैठे कबीर। ऐ फिर डोले नहीं, साहिबजादे डोले है। मेरा तो विश्वास ये है, कई बार आप कह दें भी पूर्ण ब्रह्म गयानी, पूर्ण संत, पूर्ण गुरसिख। मैनू बड़ा आश्चर्य जिहा लगता जिन्हों ब्रह्म गयानी कहता, भाव हुण पिछे अधूरा सी, वह पहला तुसीं उन्हूं बनाया भी पूर्ण ब्रह्म गयानी कह के पूरा बन गया पूर्ण संत जी। आखे संत कहता तां पूर्ण लाउण दी की लोड़ पैगी, संत हुंदा ही पूरा।
गुरसिख भी पूरा उन्हूं पूर्ण लाउण दी की लोड़ है। कई बारी एवें तखलस ला के ये शो करना दिखाना कि मैं ज्यादा श्रद्धालू हाँ, मेरे जिन्ना कोई होर नहीं सेवक, अपना दिखाना भी मैं बहुत वड्डा सेवक है, श्रद्धालू हाँ, पूर्ण गुरसिख, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी, पूर्ण संत। भले जदों ब्रह्म ज्ञानी कहता, संत कहता, गुरसिख कहता, फिर उहदे विच अधूरापन कित्थों रह गया। पर मेरा तो जिहड़ा ज्यादा विश्वास है, साहबजादे पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी सन, भाई तारू सिंह, भाई मनी सिंह, बाबा दीप सिंह जी, ब्रह्म ज्ञानी गुरसिख महापुरख भी होए पर बिरले, जग में तुम काढ़ी है बिरले कई। ब्रह्म ज्ञानी बनना कोई खाला जी का वाड़ा, किसी महापुरख ने संत बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा जी नूं कह दिता मैं नाम नहीं लैना, कहिंदे तुसीं मत्था टेकण तो मना करदे हो, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेसर, पंक्ति पढ़ती भी जिहड़ा ब्रह्म ज्ञानी हुंदा वो आप परमेसर हुंदा। देखो महापुरखां ने उत्तर दिता निम्रता विच, कहिंदे संत जी धन गुरु अर्जन देव जी ये बचन भी कहिंदे आ नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेसर, कहिंदे ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, सॉरी भी ब्रह्म ज्ञानी कौन है, निरंकार परमेश्वर ही ब्रह्म ज्ञानी है। जे तू अपने आप नूं परमेश्वर मन के पूजा करवाउणा तां तू ब्रह्म ज्ञानी नहीं, परमेश्वर ही ब्रह्म ज्ञानी है। सो साध संगत जी इस करके जिहड़े वाहिगुरु दे प्यारे हुंदे उन्हां दी अवस्था ऐसी अडोल, धन बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी दी ऐसी अडोल अवस्था, कोई लालच डला सकिया, कोई तसीहा डला सकिया, 7 साल ते 9 साल दी अवस्था नीहां विच चिण दित्ते गए, ऐसी दृढ़ता उन्हां महापुरखां दे हिरदे विच। सो ऐसी महाराज अडोल अवस्था उन्हां नूं बख्श दिंदे हन। चिंता सगल बिनासी, उन्हां दीयां चिंतावां भी जिन्नियां हन, कोई रोजी रिजक दी, कोई पहनण खाण दी, जिन्नी भी चिंता रहण सहण दी, ये भी सारियां मेट दिंदे हन। बाबा जी दसदे कई वारी संतां कोले माया ना होणी, सिंघां तों उधार चुक के सिंघां नूं लंगर छका देना, भंडारा छका देना, हरिमंदर साहब देख दी सेवा करा देनी, तख्त हजूर साहब देख दी सेवा, पटना साहब करा देनी, कई बार कोले आउणा ही ना। एक बारी कहिंदे पिंडरी जोड़ मेला सी, ना कितों घिओ आया, ना कितों रस्ता ही लून हल्दी दी दाल बनी ही, सारे सिंघ खाण। ते संत कहिंदे बड़े चा विच, बड़े उत्साह विच, संतां नूं कोई परवाह नहीं। कहिंदे अचानक ही बाबा स्वर्ण सिंह ठक्करवाल मैं दर्शन किते, 5 साल वड्डे संतां दे, ओह गड़बई रहे बाबा जी तों पहलां, ते ओह अपने भरा नूं नाल लै के आए, कहिंदे जी इह मलाया विच्चों आया, इन्हें सुखना सुखी सी, उदों लोकां नूं मलाया चों अपणियां नूं कढ रहे सी भी जे मैं सही सलामत जिउंदा घरे पहुंच जा 1100 रुपया मैं संतां नूं भेटा करांगा लंगर वास्ते। तो कहिंदे रुखा मिस्सा खाण वेले भी चाच जदों आ गया उदों ही कहता रस्त लैओ, सारा लंगर ला दिओ, संगत नूं छका दिओ। सो इउं चिंता जिन्नियां भी वाहिगुरू उहनां दी चिंता चिंता सगली गई, प्रभ नानक 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 मई, मेरा वाहिगुरू उहनां दीआं चिंता मेट दिंदा। नामदेव दी चिंता सी छप्पर बन्नण दी, मेट दित्ती ना। धन्ने भगत दी चिंता मेट दित्ती वाहिगुरू ने, ते रोड बीजे आ खेत विच, फसल आपे बना दी तू। और जेड़ा मोठ बाजरा लियांदा सी खेत विच बीजण लई, ओह साधु मिल गए बेचारे भुखे, कहिंदे जी सानू कुछ खाण नूं दिओ, उहनां दी झोली विच पा दित्ता सारा कुछ। ते परमेश्वर दा आसरा मन विच लिया के साध सिंह जी रोड ही खेत विच बीज दित्ते। और जदों रोड बीजे ना, वेलां निकलियां, बेलां नूं तुंबे लगे, रोज उहदे किनारे बैठ के भजन करदे आ। कईआं ने महापुरखां ने भी इतिहास ने यही दस्सिया भी भगत धन्ना जी दा जिहड़ा जन्म स्थान हस्तनापुर दिल्ली दा ही सी, जिथे गुरद्वारा मोती बाग, इत्थे भगत धन्ना जी दा घर सी असली। चलो कई राजस्थान च भी कही जांदे आ, उहनां दी विचार है
सो भगत धन्ना जी सिमरन करते हैं, फसल की राखी बैठे है, शाहूकार की घोड़ी ते नाल बछेरी तुरी आउंदी है, वड्डे वड्डे तुंबे लग गए वेलां नूं, हरी अंगूरी वेख के बछेरी खेत वल नूं दौड़ गई। जदों एक पौड़ अपना रखिया ना तुंबिया दे विच, ओह मुठां दे भरे हुए। भगत धन्ना जी ने जदों वेख्या ना भी ये तां मुठां दे भरे आ, उदों फिर परमेश्वर नूं सिजदा कीता, नमस्कार कीता, और उदों ये शब्द उचारिया, रे चित चेत सकी ना दयाल दमोदर बिवै ना जान सकोई, जे ताबै ब्रह्मांड खंड को करता करै सो होई, जननी कह रे उधर उदक मैं पिंड किया दस द्वारा, दे आहार अगन मैं राख ऐसा खसम हमारा, कुमी जल मह तंतस बाहर पंख कीर्त नाही, पूर्ण परमानंद मनोहर समझ देख मन माही, पाखण कीट गुप्त होए रहता ताचो मार्ग नाही, कह धन्ना पूर्ण ताही को मतरे जीड राही। कहिंदे धन्या एवी चिंता करी जन्ना डरी जन्ना, पत्थरां विच रहण वालिआं नूं भी ओह रोजी दे रिहा, रिजक दे रिहा। कुमी पाणी विच रहिंदी है, बच्चे बाहर दंदी अंडे, परमेश्वर उन्हां नूं भी पाल के फिर उवें कोले भेज दिंदा। किन्नियां उदाहरणां शब्द विच दित्तियां। सो वाहिगुरु यूं भगतां दीआं चिंता नूं भी मेट दिंदा है, कर किरपा अपनो कर लीना, किरपा करके जिन्हां नूं अपना कर लिया बना लिया, मन वसिया अविनाशी, नाश तो रहत वाहिगुरु दा नाम उन्हां दे मन विच वस गया, टिक गया, ता कहो बिघन ना को लागै, जिन्हां दे मन विच वस गया ना उन्हां नूं की कहा है गुरबाणी ने, जिना सास ग्रास ना विसरा, हर नामा मन मंत, धन से सेई नानका पूरन सोई संत। ओ पूरन संत है भाई, बाबा जी दे वसिया, महापुरखां दी दृष्टि ऐसी पई फुरना सी, सो उन्हां दे मन विच नाश तो रहत बस गया वाहिगुरु दा नाम, और उन्हां नूं किसी भी तरह का विघन, परलोक दियां रुकावटां जमां दियां नहीं लगदियां, संसार दे कम्मां कारां दे विघन नहीं उन्हां नूं लगदे, जो सतगुर अपने रखे, जिन्हां नूं मेरे सतगुरु ने अपने जान के रखिया है, रखिया कीती जिन्हां दी, चरण कमल बसे रिद अंतर, जिन्हां दे हिरदे अंतकरण विच वाहिगुरु दे चरण कमल नाम भी वस गया, प्रतख चरणां दा ध्यान भी जिन्हां ने धारिया, भाई गोंदे वर्गिया ने अमृत हर रस चाखे, ध्यान विचों ना चरणां दे आनंद दा अमृत रस उन्हां ने चख्या, बिरती जुड़ गई, समाधि लग गई, और प्रतख भी जदों नाम रस हिरदे विच वसिया तां उस नाम दे विचों अमृत रस नूं उन्हां ने चख्या, आनंद माणिया है, रस माणिया है, कर सेवा सेवक प्रभ अपने, ऐ प्यारे गुरसिख अपने प्रभु वाहिगुरु दी इस तरह सेवक बन के सेवा कर, जिहड़ा तेरे उत्ते एडियां रहमतां करन वाला है। धन गुरु अर्जन देव जी फरमान करदे ऐ, जिन मन की इच्छ पुजाई, जिन दा अर्थ है जिन्नियां भी मन दीआं इच्छां ना तेरियां वाहिगुरु सारियां पूरियां कर देवेगा, जे ते सेवक बन के सेवा कर। बाबा जी सेवक बन के रहे, संत बन दा डंबर नहीं कीता उन्होंने कदे भी, कोई बहुत वड्डे संत शरीर करके हैगे आ, उन्हां दा बड़ा नाम है, मायाधारी भी है, वो आनंदपुर साहब बाबा जी कोले गए, बाबा जी नूं देखो साध सिंह जी निम्रता महापुरखां दी, बाबा जी नूं कहिंदे महापुरखो असी गुरु नानक साहब दे दास हैं, बाबा जी पता की कहिंदे, कहिंदे महापुरखो मेरी अरदास करो, मैनू असीस दिओ कि महाराज मैनू अपना दास बना लैणा, ये निम्रता, वो कह रहा मैं दास हैं, ते जेड़ा असली दास है ना, हर का सेवक हर ही देहा, जेड़ा असली दास है वो फिर भी इन्नी निम्रता रखदा, माण नहीं करदा, हुम्मे नहीं करदा अपनी अवस्था दी, कहिंदा मैनू दास बना लो। क्यों वाहिगुरु उन्हां दे मन दीआं सारीआं इच्छा पूरीआं कर दिंदा, जिहड़े सेवक बन के सेवा करदे आ, सेवक बनना बड़ा कठिन है, कहण नूं हर कोई कह दिंदा मेरे वर्गा, मैं सेवक
सेवक बनना बहुत कठिन है। सो सात संगत जी इस करके सेवकां दीआं मारा सारियां इच्छां पूरियां करदा है। नानक दास ताकै बलिहार। धन गुरु अर्जन देव साहब जी कहिंदे दास असीं उन्हां तों बलिहार कुर्बान जांदे हां। देखो सतगुरु इत्थे अपने आप नूं दास कह रहे, दास तो भाव असी, भाव धन गुरु अर्जन देव साहब। सिख नहीं गुरु साहब नूं दास कह सकदा, पर निम्रता किन्नी है कि असी उन्हां दासां तों दास असी, और असी उन्हां दासां तों जिहड़े तेरे दास बने आ सेवा करके बलिहार कुर्बान जांदे हां। जिन पूरन पैज रखाई, जिन्हां ने नाम जपिया, जिन्हां दी रब ने वाहिगुरु ने पूरी पैज इज्जत रखी संसार विच, जिन्हां दी लोक परलोक विच रख्या कीती, जिन्हां भगतां दी, जिन्हां गुरसिखां दी, जिहड़े उहदे सेवक बने ना उन्हां दी उह पैज रखी है ना। ते जिहड़े इहो जिहे आ नाम जपण वाले, हर का सेवक सो हर जिहा, जां हर हर जन दुई एक है, बिभ विचार कछ नाहे, जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखै समाहे। दासां दा ही जोड़ मेला मना रहे हैं। सो ऐसे जिहड़े दास है उन्हां तों महाराज कहिंदे असीं बलिहार कुरबान जांदे, जिन्हां दी महाराज तुसीं लोक परलोक विच रख्या कीती है, इज्जत भी रखी है, हर समय पत ढकी है। किन्ना कठिन समा सी 84 तों लै के 2004 तक, चलो 93-94 तक बड़े कठिन समय दमदमी टकसाल दे हैडक्वार्टर ने वेखे है, जथेबंदी ने देखे है, पर औखे तो औखे कठिन तो कठिन समय विच ओही महापुरख समेर पर्वत वर्गा सी जिहड़ा इहो जिहा समा झल गया। साध संगत जी जिवें कुकड़ी अपने खंभां थले अपने बच्चों नूं लै के निग दे के बचा लैंदी है, जे मैं समझदा वह महापुरख इस जथेबंदी दे उदों मुखी ना हुंदे शायद अपना हैडक्वार्टर अज इत्थे ना रहिंदा। सरकार दी इन्नी सख्त निगाह सी कि सरकार इस हैडक्वार्टर नूं सदा सदा लई खत्म करना चाहुंदी सी, पर उन्हां दी कमाई सी, उन्हां दी बंदगी, उन्हां दी सेवा, उन्हां दा तप सी, जिन्हां ने औखे टाइम विच वी इस जथेबंदी दी सेवा कर कीती। सो साध संगत जी समा मेरे कोलों बहुत लग गया, मैं खिमा दा जाचक हाँ। बहुत ही सत्कारयोग महापुरख हस्तियां साडे विच बैठियां, विद्वान बैठे है, महापुरख संत बाबा गुरदीप सिंह जी खडाले वाले, संत बाबा दर्शन सिंह जी घोड़ेवाह वाले, बाबा गुरदेव सिंह जी तरसिक्के वाले, संत बाबा गुरभेट सिंह जी बुलारे संत समाज, संत बाबा सुखवंत सिंह जी चन्नणकियां वाले, साढ़े बहुत ही सन्मानयोग संत बाबा प्रदीप सिंह जी बोरे वाले, बड़े परोपकारी महापुरख हन। साध संगत जी हर शताब्दी ते वड्डे तो वड्डा लंगर लाया, गऊआं दी हजारां दी गिनती विच सेवा, निष्काम रह के सरकार फंड दिंदी है, गऊशालावां दे नां ते लोकां नूं भी लुटदी है, कदे एक पैसे दा फंड नहीं लिया महापुरशां ने। गुर अस्थाना दी भी सेवा, पिछे सचखंड श्री हरिमंदर साहब दे सरोवर विच स्टील दे जंगले लाउण दी सेवा धन गुरु रामदास साहब जी ने इन्हां तों लई, उह लखां रुपए दा वड्डा कारज सी। और दमदमी टकसाल नाल अथाह प्यार है पहलां तों लै के। सो बड़ी सतगुरु महाराज की कृपा है, बड़े उच्च कोटी दे विद्वान, सेवा और परोपकार, और पटना साहब तख्त साहब ते हुण धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दा 18-19-20 नूं अवतार गुरपुरब मनाया जा रहा। जदों तो 350 साल गुरपुरब मनाए उदों तो लंगर उत्थे जा के महापुरख ला रहे हैं बिहार विच। सो वह भी अचेचे तौर पर महापुरख पहुँचे है, उन्होंने भी तुहाडे दर्शन जरूर करने। मैं भी बेनती करूँगा, बाबा जी जरूर बचन सुनाउणगे, उन्हां दे महापुरखां दी भी संगत उन्होंने की है। महापुरख संत बाबा सज्जन सिंह जी गुरद्वारा गुरु की बेर साहिब वाले पहुँचे है, जिन्हां दे नाम विसर के उस सत्कार जो ज्ञानी जीवा सिंह जी आपे सारी लिस्ट तुहाडे अगे हाजिर करनगे। सो दमदमी टकसाल दे पुराने सिंघां विच्चों
सत्कार योग ज्ञानी परविंदर पाल सिंह जी बुटर जिन्हां उत्ते बाबा जी ने बड़िया खुशियां कीतियां, कथा भी करन लाया ते कथा कराउण लई भी अपने नाल रखिया। रागी भाई कलवीर सिंह जी, ज्ञानी अमोलक सिंह जी, सारे बाबा जी दे समय दे विद्यार्थी, सारे रागी ज्ञानी सिंह हन। सोना परोपकारी महापुरखां दा उपकार है। सो साध संगत जी, महापुरख दमदमी टकसाल दे चौदवें मुखी कथनी करनी दे पूरे सूरे, धन महापुरख संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले, महापुरखां दे सपुत्र भाई साहिब भाई ईश्वर सिंह जी उचेचे तौर ते पहुंचे है। सो उन्हां दा भी मैं बहुत बहुत धन्नवाद करदा। शहीद परिवारां दा धन्नवाद है। बंबे तो संगत आई है, हर साल ही आउंदे है। उत्थों दी संगत दा भी, इलाके दी संगत दा भी, दूर दराडे नगरां तो संगत आई, पिंडरां तो भी संगत आई, वख वख नगरां तो संगत आई। इधर सुखना अबलू मुक्तसर साहब दे इलाके विच्चों दूरों दूरों साध संगत महापुरखां दे प्रेम विच पहुंची है। जोड़ मेला भावें सीमित ही रखण दा ख्याल सी, कोविड 19 करके साध संगत जी परहेज भी रखो, मेरी बेनती है संगत नूं, अणगहली ना करो। समा ही कुछ ऐसा चल रहा, इलाज भी पूरे उपलब्ध नहीं हो रहे। देखो साध संगत जी, किसानां दा किन्ना दुख भरिया संघर्ष चल रहा दिल्ली विच। मैं ये बेनती जरूर करनी है, सेंटर दी सरकार टस तो मस नहीं हो रही। की फर्क पैंदा जे तीन कानून रद्द भी कर देणगे, फिर किहड़ा कोई पहाड़ ढह जाणा इन्हां दा। जिन्हां जिमीदारां किसानां दी किरतियां दी मजदूरां दी दसा नौहां दी कमाई नाल देश ने खुशहाल होना, देश ने तरक्की करनी है, लोकां ने सुखी होना, जिन्हां दे रिजक कमाई दे नाल वड्डे वड्डे देश दे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अज उन्हां जिमीदारां किरती मजदूरां दीआं दुर असीसां सरकार लै रही है। सतसंगत जी, दुर असीस जिहड़ी है इह जीवन विच मैं तां समझदा सब तों वड्डा पाप है। किसे दी असीस प्राप्त करनी है, सब तों वड्डा पुन कर्म हुंदा। तपस्या करके भी बंदे कोलों कई वारी ओह फल नहीं मिलदे जिहड़े असीस नाल मिल जांदे। भुखे नूं प्रशादा छका दिओ, तुहानूं असीस ऐसी दे देवेगा जिहड़ी असीस विच्चों तप नालों वी वध फल मिल जांदा। नंगे नूं वस्त्र दे दिओ, असली अन्नदाता किसान मजदूर है। सो उत्थे ठंड विच किन्ने दिनां तों ठर रहे हैं, लखां दी गिणती दे विच सरकार दीआं बरूहां ते किसान बैठे है, और किसान सरकार नूं शर्म नहीं आ रही कि इन्ना दुखां दा भरिया संकट भरिया समा किसान अपने तन उत्ते हंडा रहे है, फिर इन्हां ने जो कमाई करनी वह भी सरकार दे खजाने च जानी है, सरकार फिर भी अजे तक ध्यान नहीं दे रही। तो इस करके जिन्ना सरकार देर लावेगी, जिन्ना इन्हां कानूनां नूं रद्द नहीं करेगी, किसानां मजदूरां दीआं मंगां नहीं मन्नेगी, उन्ना ही सरकार लई मुश्किलां पैदा हो जाणियां। अज तो इन्हां नूं इस तरह लगता भी असी शायद इन्हां नूं हंबा देंगे, थका देंगे, पर यह कौम जिहड़ी खालसा पंथ है ना, ये ना हंबण वाली है ना थकण वाली है। इन्हां दे सिरां दे मुल पए तो उदों नहीं हंबे थके, जदों 80-80 रुपए सिरां दे मुल पै गए उदों नहीं यह कौम हंबी, ना ही थकी है। ते अज किवें हंब जाणगे, इन्हां नूं स्पिरिट कहिंदी है। धन गुरु नानक साहब दशां पातशाहियां दी स्पिरिट है, जिस गुरु नानक साहब ने कहा सी बाबर तों जाबर है, इति मार पई कुरलाणे तैं की दर्द ना आया। जिहड़े गुरु नानक साहब ने बचन कहे सन, जे जीवै पत लत्थी जाए, सब हराम दित्ता किछ खाए। सो ऐसे गुरु दी स्पिरिट वाली यह कौम है, यह पंथ है, साहबजादियां दे वारस है। इस करके सरकार दी भलाई इसे गल विच ही है। प्रधानमंत्री इस गल लई चिंतित होण के मैं जल्दी तो जल्दी ये सारे मसले का हल करके किसानां दी असीस लवां,
और देश नूं खुशहाल बनाउण विच सारयां नूं नाल लैके चलना। सो साध संगत जी दे नहीं सरकार मनदी, मान लो सरकार टस तो मस नहीं हो रही, हंकार ही इन्ना सिर नूं चढ़िया होया, तां इत्थे तां साध संगत जी वड्डे वड्डे राजे भिखारी बने देखे आ संसार ने। जिहड़े चक्करवर्ती बादशाह सी ना दुनिया दे, ओह दुनिया तो टुक्कर मंगदे दुनिया ने वेखे आ। इस करके सरकार नूं संत समाज वालों दमदमी टकसाल वालों फिर अपील है कि किसानां दे जिहड़े मसले आ उहनां दा तुरंत हल करके बिना देरी तो इस मसले का जिनी छेती हल किया जाए करना चाहिए। और आपां सारे भाई किसानां दे हक विच आवाज़ उठाओ। साहबजादियां लई हाल दा नारा मारिया सी नवाब मलेरकोटलीए ने, अज तक उन्हां दी रियासत बहाल है, अज तक इतिहास का हिस्सा। सारे महापुरख सारियां संगतां भाई किसानां दे हक विच जरूर आवाज़ उठाओ, बनदा सरदा सारे योगदान पाओ। ये सारयां ने बेनती प्रवान करनी, भुल्लां चुक्कां खिमा करनिया, इतनी हाजरी प्रवान करनी सारी संगत दा। रोम रोम करके बहुत बहुत धन्नवाद है। एक बार चलिया काली ना करियो, घंटा कु होर लगना, थोड़ा थोड़ा समा महापुरखां ने दर्शन करने आ। बाद दे विच जो प्रोग्राम जिवें चलेगा सत्कार जो ज्ञानी जीवा सिंह जी सारा संगत नूं दसणगे। सो मेरे वल्लों सारी संगत दा रोम रोम करके धन्नवाद, महापुरखां दा धन्नवाद, भुल्लां चुक्कां खिमा करनियां, इतनी हाजरी आप संगतां ने प्रवान करनी। कर सेवा सेवक प्रभ अपने, जिन मन की इच्छ पुजाई, नानक दास ताकै बलहारै, जिन पूरन पैज रखाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।